नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पीएमओयू पीटीटी का जो आज पेपर आयोजित हुआ है 20 जून को, उसका जीके वाला पोर्शन है, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम जीके वाले पोर्शन का अगर एनालिसिस करें तो इसका जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया है। ऐसी स्थिति में बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके 15 से ऊपर मार्क्स आने की संभावना रहेगी। लगभग 15 जो मार्क्स है यह एवरेज रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों के इससे कम भी आ सकते हैं और बहुत कम बच्चे होंगे जिनके इनसे ज्यादा नंबर आएंगे। इसका जो सीधा प्रभाव है वो कट ऑफ पर पड़ने वाला है। इसके अलावा बाकी जो पोर्शन है उसको चेक करके कंप्लीट जो एनालिसिस बेस्ड है वो कट ऑफ तैयार करेंगे। तो उन कैंडिडेट्स को घबराने की जरूरत नहीं है जिनको लग रहा है कि पेपर का जो इस तरह बहुत ज्यादा कठिन आया और मेरे 15 के आसपास सही हो रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने बाकी पोर्शन में अच्छा स्कोर किया है तो डेफिनेटली इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी नील हरित शैवाल है वो इसके लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वाना सेवा और मंजरी सेना का संबंध किससे है? यहाँ चार आंदोलन दे रखे हैं, सही आंसर रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और यहाँ पर कुछ चार क्रांतियां दे रखी है और उससे संबंधित कुछ महापुरुष या नेता कह सकते हो वो दे रखे हैं, क्रांतिकारी दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेकेंड ऑप्शन, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है यह जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, तो यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? इन चार ऑप्शन में से सही आंसर रहेगा अमोनिया, क्योंकि यूरिया है वो अमोनिया में बदलने के बाद उसकी जो दुर्गंध है वह तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? यहाँ चार ऑप्शन में से सही आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, अजय कुमार सूद। अगला प्रश्न, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अभियान है शुरू किया गया था? यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, ऑपरेशन गंगा है यह अभियान शुरू किया गया। यहाँ पर जितने भी आंसर दे रखे हैं बिल्कुल यहाँ पर 99% है वो सही होने की संभावना है, हो सकता है किसी एक आध प्रश्न में संशय रह जाए। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? यहाँ चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन पीवी सिंधु इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है? इन चार ऑप्शन में से भारत की यहाँ पर रैंक रहेगी 146 में से। अगला प्रश्न है, सही फसल अभियान किस वर्ष शुरू हुआ है? इन चार में से सही आंसर रहेगा पहला ऑप्शन 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन मिलता है? इन चार ऑप्शन में से सी ऑप्शन अथर्ववेद इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रमानुसार सही है? यहाँ चार ऑप्शन में से कौन सा कालक्रमानुसार सही रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 12, यहाँ पर कुछ तट दे रखे हैं, सागर तट और सामने राज्यों के नाम दे रखे हैं, इसको आप मिलान कर लेना। इसका जो आंसर है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। यह प्रश्न भी ओल्ड एग्जाम में से पुटअप हुआ है, यानी UPSC का जो एग्जाम है उसमें से सीधा पुटअप हो गया। यहाँ पर ज्यादातर प्रश्न है वो ओल्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी 2005-2000 जो कि हाई लेवल के, जैसे RS है, PCS है, UPSC है, बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं हाई लेवल के उनमें से पुटअप हुए हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? यहाँ पर चार ऑप्शन में से वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती है यह भारत में है वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान है, इसके सबसे पहले संकेत मिले हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, भारत में। इसका सही आंसर भी भारत रहेगा, एश्योर हो जाना, क्योंकि यह जो प्रश्न है ओल्ड जो UPSC का एग्जाम है उसमें से ही आया हुआ है। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है? यहाँ चार ऑप्शन में से सही आंसर रहेगा सेवाओं का निर्यात, यानी बैंकिंग और इंश्योरेंस से संबंधित रहेगा अदृश्य निर्यात। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा इसका फर्स्ट ऑप्शन सुमन केबेरी, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 2017 से 2019 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या थी? यहाँ पर इस दौरान मातृ मृत्यु दर है इसमें गिरावट आई थी, लगभग 8% के आसपास गिरावट रही थी, तो इसका सही आंसर रहेगा 103 प्रति 1 लाख जीवित जन्म। अगला प्रश्न, 31 मार्च 2022 तक भारत में कुल स्थापित बिजली क्षमता लगभग है? इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 399 के आसपास इसका सही आंसर रहता है, यानी अप्रोक्स 4000 मेगावाट है इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 के लिए GSDP का लक्ष्य कितना रखा है? तो इसका जो लक्ष्य है यह 4.4%, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इन चार ऑप्शन में इसका सही आंसर रहेगा 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत भारत के शासन के लिए पहला कानून था? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फर्स्ट ऑप्शन ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियां यानी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित यहां पर एक्ट रहेगा? एक्ट 1935, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है, अप्रेस्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यहाँ इसका सही आंसर रहेगा चार ऑप्शन में से डी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 44 किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 44 है वो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से जो नेता हैं उनमें से संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था, कौन से नेता ने रखा? बी ऑप्शन है हर्षद मोहनी, इसका सही आंसर रहेगा। यह प्रश्न भी ओल्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से सीधा पुट हुआ है और इसके आंसर में थोड़ा बहुत संशय है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यथासंभव इसका सही आंसर लग रहा है, यानी खानवा का युद्ध निश्चित रूप से पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत भी राणा सांगा निश्चय इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका संभवतः सही आंसर रह सकता है। अगला प्रश्न, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? अगर किसी देश की आर्थिक समृद्धि की बात करें, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मापदंड रहेगा वो रहेगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो यह फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसकी आत्मा कहलाता है? आत्मा उसकी प्रस्तावना कोई कहा जाता है, इसका दूसरा नाम उद्देशिका है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? सही आंसर रहेगा वो रहेगा थियोडोर मेमेन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट प्रश्न है, फुसफुस स्थूली में यथा वे श्रामिक रोगग्रस्त होते हैं जो सामान्यतः कार्यरत होते हैं, यानी इस बीमारी से क्या है? फेफड़ों पे डायरेक्ट अटैक होता है और यहाँ पर जो कोयला खनन में जो मजदूर काम करते हैं वो मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, इस वीडियो में हमने यथासंभव 100% ऑथेंटिकेट आंसर बताने की कोशिश की है, फिर भी यदि किसी प्रश्न में संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस की के अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके अलावा हम टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब है उस पर भी हम पोल करने वाले हैं, तो वहां पर भी आप अपना अमूल्य है वो पोल जरूर छोड़ देना, ताकि हम संभावित जो कट ऑफ है वो जारी कर सके और से आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकेगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।